के शुरू होने से पहले क्यूब का वजूद था। उसकी शुरुआत कहां से हुई हम नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं कि उसमें नए ब्रह्मांडों को जन्म देने और उनमें प्राण फूंकने की शक्ति है। इसी तरह हमारी नस्ल का भी जन्म हुआ। कुछ वक्त तक हम शांति से रहे, लेकिन जैसे कि महान शक्ति होती है, कुछ उसे अच्छाई के लिए चाहते थे तो कुछ बुराई के लिए, और इस तरह शुरू हुआ युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने हमारे ग्रह को नष्ट कर दिया और वो काल के मुंह में समा गया, और क्यूब अनंत अंतरिक्ष में कहीं खो गया। हम आकाश गंगा में बिखर गए इस उम्मीद में कि उसे ढूंढकर फिर से अपना घर बसा लेंगे। हमने उसे हर सितारे हर दुनिया में ढूंढा, और जब हम सारी उम्मीदें खो बैठे थे, तब एक नई खोज का पैगाम हमें एक अज्ञात ग्रह की ओर खींच लाया जिसका नाम था पृथ्वी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कतार, खाड़ी का एक देश, समय वर्तमान। क्या यार, 5 महीने हो गए, घर की याद आ रही है मुझे। माँ के हाथ का बनाया हुआ तंदूरी मगरमच्छ। अबे साले, तो पिछले 2 हफ्तों से तंदूरी मगरमच्छ और झिंगुरों की बात कर रहा है। मैं तेरे घर पे कभी नहीं जाऊंगा, ये बात समझ। बॉबी बॉबी बॉबी, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ जानता हूं। कौन पकेटो दिया, कौन अभी चोरे सीनोस टोस्टो सीरोस पो गुंडो गुंडो ने। हमारी भाषा में ही बात कर, हिंदी में। मैंने कितनी बार कहा है कि हमें स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती, याद नहीं रहता क्या? अरे भाई, ये मेरी जुबान है। सिंपली में स्टार जो ये लोग बोलना मिस ना बेटा, जो मर्जी में आए वो ठीक है। वो छुट्टी के दिन याद है? हाँ, बास्केटबॉल टूर्नामेंट और खाना दबा कर खाते थे। आपका क्या ख्याल है, घर जाकर क्या करेगा? मैं तो बस बेटी को पहली बार गोद में लेने के लिए तरस रहा। कैसे हो? पानी चाहिए? शुक्रिया, सामान उठाने में मदद करोगे? कर्नल शाह, मुझे एक अनजान विमान दिखाई दे रहा है करीब 10 मील की दूरी पर। अनजान विमान, आप यूएस के प्रतिबंधित दायरे में घुस चुके हैं। इसी वक्त अपनी पहचान दीजिए और पूर्वी दिशा से लौट जाइए। F-22 विमान 1-2 दुश्मन नीचे उड़ाने भर रहे हैं 10 मील की दूरी पर। उसे रोकने के लिए 250 की ओर बढ़ें। अनजान विमान, हम आपको US साउथ सेंट एयरबेस तक रास्ता दिखाकर ले जाएंगे। अगर आपको मंजूर नहीं तो इसी वक्त घातक हमला होगा। दुश्मन दिखाई दे और उसका नंबर है 4500। सर, यहाँ लिखा है 4500 को 3 महीने पहले मार गिराया था अफगानिस्तान। जरूर कोई गलती हो, जांच करो, फिर से जांच करो। की है सर, उसमें मेरा एक दोस्त भी था। रडार पर कहां दिख रहा है? दुश्मन 5 मील की दूरी पर है सर। बीवी लाइन पर है? हाँ कैप्टन। मेरी जान, कितनी प्यारी है, देखो तो कितनी बड़ी होगी। इसके कान तो देखो, दिल करता है काट लो। हमारी बेटी कितनी सुंदर है। मैं जानता हूँ सभी यही कहते हैं, लेकिन हमारी बेटी वाकई में खूबसूरत है। तुम्हारी तरह हंसती है। ये हंसी थी पहली बार? कहीं आवाज पीछे से तो नहीं आई थी ना? नहीं बाबा, ये अभी तुम्हें नहीं पहचानती, लेकिन जल्दी पहचानेगी। दुश्मन हेलीकॉप्टर उतर रहा है। देखो 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 देखो, रडार जाम हो गया, और ये उसी हेलीकॉप्टर ने किया। विल,
सारा सारा सुन रही हो मेरी जान, मैं जल्दी वापस घर आता हूँ। एमएसटी पायलट इंजन बंद कर दीजिए अभी। अपने आदमियों को बाहर आने के लिए बोलिए वरना मार देंगे। कौन था किसने किया? स्टूडेंट बदतमीजी नहीं। शुरू करता हूँ। तो मेरी फैमिली हिस्ट्री के लिए मैंने अपने परदादा के ऊपर काफी कुछ लिखा है और उनका नाम था कैप्टन आर्चिबाल्ड विटविक, जो बड़े मशहूर खोजकर्ता थे। दरअसल वो पहले शख्स थे जिन्होंने खोज की आर्कटिक सर्कल, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। 1897 में वो 41 बहादुर नाविकों को सीधे बर्फ से ढके हुए आर्कटिक शेल्फ में ले गए। अगर कुछ खोओगे नहीं तो कुछ पाओगे भी नहीं। हम आर्कटिक शेल्फ जल्द पहुंच जाएंगे। तो ये थी वो जाबाजों की कहानी।